वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस समय सुबह के 8 बज चुके हैं और आपकी कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सोमवार से शनिवार देखिए सुबह 8 बजे से एनसीईआरटी गणित। अगर आपने क्लास को ज्वाइन किया है तो आपको ये क्लास हर दिन मिल सकती है, जिसमें आप व्हाट्सएप पर प्राप्त लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो हो सकता है कभी आपको यूट्यूब पर क्लास मिल रही हो, कभी ना मिल रही हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए हैं 7843832999 7934888448, और ईमेल आईडी दी गई है, वेबसाइट दी गई है। इन सभी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अथवा कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको अवश्य क्लास में ज्वाइन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 5, जिसका नाम है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। आप लोगों ने पढ़ लिया कि समांतर श्रेणी होती क्या है, पहचानते कैसे है, प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास में प्रथम पद और सर्वांतर दो चीजें दिया गया है तो हम अन्य और पद कैसे निकालेंगे। जैसे प्रथम पद दिया, दूसरा तीसरा पद, चौथा पांचवा पद, ये सब कैसे निकालेंगे, तो इन्हीं सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल इस क्लास को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हूबहू जैसे दिया गया मैंने वैसे लिखने की कोशिश किया है। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद हुआ यानी कि प्रथम पद ए व सर्वांतर डी दिया गया है। तो पहला सवाल में प्रथम पद जो है 10 दिया गया है, सर्वांतर क्या दिया गया है 10, दोनों 10-10 है। तो प्रथम 4 पद निकालना है, तो पहला पद दिया गया जैसे ऑलरेडी, तो पहला पद तो है ही, दूसरा पद कैसे लिखेंगे, देखिए इसका यही तरीका होता है। दूसरा पद होता है क्या होता है, a प्लस 2d, ये दूसरा पद हो गया। अब आप लिखेंगे ऐसे, तीसरा पद होता है a प्लस 3d। अगर देखिए अभी समझिएगा, अभी उत्तर नहीं आया। चौथा पद होता है a प्लस 4d, मतलब समझ गए ना। अब मान रख दो ना बाबू, a का मान क्या है 10 है, 2 और 10, ये डी का मान भी तो 10 था ना, तो हल कर लो ना इसको, 2 दहम्मा ये क्या हो जाएगा 20 है ना, 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30। ये कौन सा सवाल नंबर है आपका, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, ये सवाल नंबर आपका पहला है ना। तो एक बात इसमें देखिए, आपको एक काम करना है जो कि हमें कुछ गड़बड़ लग रहा था। दूसरा पद अगर आप निकालेंगे तो उसमें 2 नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा पद से आप 2 लगाएंगे, यानी कि यहां पे आप a प्लस डी लिखेंगे, बस a प्लस डी, और ये a प्लस 2d और a प्लस 3d, सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा पद a प्लस डी होगा, यानी कि आप सिंपल में जोड़ देंगे a का मान रख के और d का मान रख करके, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तीसरा पद के लिए भी आप मान रख देंगे, इसका मान 10 और ये 2 × 10, तो 2 × 20 = 10, ये क्या हो जाएगा 30। तीसरा पद a का मान 10, डी का मान भी 10, 10 × 30 = 10, ये हो जाएगा 40। यानी कि आपके सभी क्या होंगे, पद हो गए कौन कौन 20, 30 और 40। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच बोल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निसंकोच बोल सकते हैं, ये सभी आपके कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं, है ना। तो अगर मैं एक सवाल आपको और देता हूं इसी टाइप का, तो आप लोग उसे करके बताएंगे, ये पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा। अगर मैं इनमें जो पद दिए गए ना इनको बदल देता हूं, मतलब किसी किताब का दूसरा, आप लोग बताइए, -2 और 0 दिया है, क्या क्या दिया है, प्रथम पद जो है -2 दिया है और सर्वांतर डी जो है वो 0 दिया है। अब आप लोग बताइए पहला पद क्या होगा। पहला पद तो सिंपल में ये लिखा गया है, प्रथम पद -2 है ही, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जो भी मित्र हमारे जुड़े हुए हैं फटाफट सभी लोग बताएं। ये तीसरे का जो है ना बाबू, ये दूसरा सवाल है, मतलब कि बी माने या दूसरा माने, सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड। हो गए सभी के कमेंट्स, जल्दी करें और कोशिश करें सभी लोग। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी जब हम लिखेंगे ना तो छाप लेंगे चुपके से, हम देख तो नहीं रहे उनको, लेकिन वो ये ना समझें कि वो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं,
मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आप कोशिश ना करें ये गलत बात है। कोशिश जरूर करें, सही गलत कुछ भी। हो गया सभी के उत्तर, तो हम चलते हैं। देखिए ए का मान रख दो ना भाई, बी डी का मान रख देते हैं, तो ए का मान माइनस दो दिया है, डी का मान जीरो दिया है, माइनस दो में डी जोड़ेंगे जीरो जोड़ेंगे तो माइनस दो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का मान माइनस दो दिया है और प्लस टू इंटू डी का मान जीरो दिया है, गुणा कर देंगे जीरो हो जाएगा, ये भी माइनस दो आएगा। अब ए धन तीन डी का मान जीरो दिया है, ये जीरो हो जाएगा, मतलब कि ए का मान जो है माइनस दो, और आप देखेंगे ये सभी क्या आएंगे, माइनस दो ही आएंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद सभी क्या होंगे, माइनस दो ही होंगे। कोई दिक्कत है तो निसंकोच आप बोल सकते हैं, समझ गए। इस तरह से आप इसमें का सभी सवाल कर लेंगे जो भी दिए गए हैं, आल क्वेश्चन आप करेंगे, फिर आगे हम देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, श्रेणी वन वन टू थ्री फाइव समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? मतलब गिवन सीरीज वन वन टू थ्री फाइव इज नॉट इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई, क्यों, रीजन क्या है, क्यों ये समांतर श्रेणी नहीं है? जैसे कहा जाए किसी व्यक्ति को कि ये चोर है, ईमानदार नहीं है, मतलब तो आप कैसे कहेंगे कि ये चोर है? देख करके तो आप किसी को बता नहीं सकते कि चोर है कि ईमानदार है, धोखेबाज है कि ईमानदार है, अच्छा है। तो क्या करेंगे आप, उसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि ये ईमानदार है। अगर कोई कह रहा है कि चोर है, उसको आपको सिद्ध करना है कि चोर है वो, तो आप उसको चोर नहीं बोलिए, उसको मान लीजिए कि ईमानदार है, और फिर आप उसको परखिए ईमानदारी के पलड़े पे कि ईमानदार होना अगर तो कौन कौन से गुण होना चाहिए। अगर वो उन गुण उनमें दिखते हैं तो ईमानदार है, नहीं तो सिद्ध हो गया कि चोर है। तो सिंपल सी बात है, इसको हमें देखना है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो पहले इसको मान लीजिए। और हाँ, ये तो सिंपल सा कह रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है, सीधा सीधा बोल रहा है, लेकिन क्यों नहीं है तो और आसान हो गया, क्यों नहीं है। आप जानते हैं समांतर श्रेणी में होने के लिए सार्वांतर बराबर आना चाहिए। सार्वांतर जानते हैं क्या होता है, ये एक झलक देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 6, 12, 18, 24, अब ये मत सोचिएगा मैं पहाड़ा लिख रहा हूं, इस श्रेणी है, तो 6 से इसमें से घटाएंगे 6 आएगा, इसमें से आप इसको घटाएंगे 6 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 6 आएगा, इट इज अ अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, ये समांतर श्रेणी है, समझ गए, क्योंकि सब बराबर आ रहा है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि भाई पड़ोसी वाले से अगर पड़ोसी को घटाते हैं तो उतना फायदा होता है ना, तो ज्यादा कम नहीं, तो बस अगर इस पे ये सही बैठता है इसका मतलब सही है, नहीं बैठता है तो नहीं सही है। तो चलिए हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। प्रथम पद क्या दिया गया है, यहां पर प्रथम पद यानी कि ए वन जो दिया गया वन है, ए टू वन है, ए थ्री टू है, ए फोर जो है वो थ्री है, और ए फाइव जो है वो पांच है, ठीक है। तो हम सार्वांतर निकाल लेंगे, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, और ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं सही होता तो नो प्रॉब्लम। ए टू का वैल्यू क्या है भाई, घटा लो ना वन से वन, इक्वल आ गया जीरो। ए थ्री माइनस ए टू, ये दो से एक घटा लो, तो दो से जब एक घटा लेंगे तो एक आएगा, तीन से दो घटा लो भाई, तीन माइनस दो इक्वल क्या आएगा, एक आएगा। लेकिन आप इतने में ही समझ गए होंगे ये बराबर नहीं आ रहा है, ये बीच में जीरो आके सारा मामला बड़गड़ गड़बड़ कर दे रहा है, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ये जीरो आया तो सब जीरो आए, या फिर एक आया तो सभी एक आए, तो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। अब आप लिखिए विस्तार में, अगर आपका अच्छा 10 में है तो जल्दी से पहले वीडियो रोक लीजिए, रोक लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को पीछे करके फिर से करिएगा, यहां पर मैं ज्यादा नहीं मिटाने वाला हूं। अब आप कक्षा 10 में है तो आपको यह लिखना होगा, चूंकि दी गई या फिर दिए गए समांतर श्रेणी में सार्वांतर डी बराबर नहीं आता है, बराबर नहीं आता है या फिर बराबर नहीं है, अतः यह दी गई श्रेणी 1 1 3 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, समझ गए ना।
आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, झारखंड, केरल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कहीं से भी हो, सबके लिए एनसीईआरटी मैथ हमारे समझ से ऑल इंडिया में वही होती है। हाँ, हो सकता है आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो, तो हम कोशिश करेंगे लैंग्वेज आपको बदलने की, मल्टीपल लैंग्वेज में क्लास देने की, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारी मातृभाषा जो है हिंदी, उसी में आपको क्लास मिल रही है। ठीक है, समझ गए ना? तो समझ गए तो हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 इसमें आपका हो चुका है। 5वां नंबर क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है तो ए का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक हल करो, यानी कि लिखो। 5वां सवाल देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग किताब लिए होंगे तो लिख लिए होंगे, बुक अपने पास रखा करें, ठीक है ना? ज्यादा टाइम हम क्वेश्चन लिखने में नहीं लगाएंगे, वैसे तो हम आपको नहीं दिखाते जो क्वेश्चन लिखते हैं तो, लेकिन ये क्लास जब लाइव होती है तो आप देख पाते हैं। यदि ए प्लस वन 3a और 4a+2, क्या कह रहा है? ए प्लस वन 3a और 4a+2, यहां पे है यदि, ये 3 पद दिए गए हैं और क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी में है तो ए का मान ज्ञात करो। ये समांतर श्रेणी में है तो ए का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। चलो भाई और लिख लेते हैं। श्रेणी को आप लोग किताब लिए होंगे तो आप इसको लिख लीजिएगा किताब से अच्छे से सवाल को। तो ए का मान निकालना मतलब हमें प्रथम पद निकालना है, सिंपल सी बात है, आप इसमें से निकाल लेंगे, है ना? तो 5 पद चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब पहले तो हम सर्वांतर निकालेंगे। अब जब सर्वांतर आ जाएगा तो ए का मान आ जाएगा, सिंपल सी बात है। प्रथम पद यानी कि ए, प्रथम पद तो ये आपको दिया गया है लेकिन यहाँ पे ए का मान नहीं दिया गया है, ए प्लस वन है। अब ए का वैल्यू क्या होगा कुछ नहीं पता, तो ए का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर समझते हैं ना, ये मान लेते हैं पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पद हो गया, तीन पद तो दिया ना किताब में भी। हाँ बिल्कुल, सिंपल सा 3 पद दिया गया है। तो क्या करेंगे आप, पद को बोलते हैं इंग्लिश में टर्म, और टर्म बोलते हैं तो टर्म को टी से डिनोट करते हैं, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं, ये T1 है, ये आपका T2 है और ये आपका T3 है। एक बात याद रखिएगा, ये 2 को छोड़ेंगे नहीं, ये पूरा है, ये पूरा है T1, ठीक है? तो सर्वांतर आप निकालेंगे तो T2 - T1, मतलब इनको इसमें से घटाएंगे और इनको इसमें से घटाएंगे, इक्वल ये T3 - T2, ये बराबर आना चाहिए, तो सर्वांतर होता है, मतलब नहीं तो नहीं। तो भाई रख लो ना मान, T2 का मान कितना है? 3a, हाँ, माइनस a धन 1, कोष्ठक लगा दूं ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। T3 मतलब कि 4a +2 - T2 का मतलब कि 3a। हल कर लेते हैं, 3a ब्रेकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, आप लोग बहुत बचपन में पढ़े रहे होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया आपका 4a+, इधर तो कोई बदलाव नहीं होगा, 2 - 3a, है ना? सिंपल सी बात है, हल कर लीजिए, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 2a - 1 और ये प्लस माइनस ये भी घट जाएगा, और घट जाएगा तो क्या आएगा? ए आएगा ना, a+2। अब ए को इधर लाएंगे, इसमें से घट जाएगा, यानी टोटल ए आ जाएगा, ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा और ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया ना तो कमेंट करिएगा, बिल्कुल हम आपको फिर से डिनोट इसको डिस्क्राइब करेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? तो ए का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। आप मिला लीजिए अपनी किताब में जो है, ए का वैल्यू 3 आ गया होगा। श्रेणी में सर्वांतर जो है 9 है, सर्वांतर कितना होगा अभी नहीं मालूम चला होगा आपको। श्रेणी के 5 पद भी तो बताना था ना बाबू, ये श्रेणी के 5 पद। वीडियो को जल्दी से रोक लीजिए, रोक लिए? अरे स्क्रीन पर टच करेंगे तो रुक जाएगा, रुक करके इसको लिख लीजिए, तब हम आगे फिर बढ़ाइएगा चला के, क्योंकि हम तो खड़े नहीं रहेंगे, है ना? तो अब हम श्रेणी के पद आगे लिखते हैं, ये 5 पद देखिए, श्रेणी के 5 पद अब आगे लिखेंगे। ए का वैल्यू हमारा 3 आ गया, तो श्रेणी का पहला पद हो जाएगा 3 - 1, इक्वल हो जाएगा 4, जो हो गया, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये पहला पद हो गया 4।
दूसरा पद एक अमान तीन रखेंगे, तीन त्रिका नौ। तीसरा पद एक अमान तीन रखेंगे, चाहते हैं 12 2 14। आप एक बात गौर करिए, इनमें इनमें क्या अंतर आ रहा है? अरे भाई, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 5 5 का डिफरेंस बन रहा है, सर्वांतर 5 हो रहा है, 14 में 5 जोड़ दो 19, 19 में 5 जोड़ दो 24, 24 में 29, 29 में 5 ये हो गया 34। लिख रहा हो चाहे जितना पद, समझ गए ना? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो एक बात याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नहीं या पार नहीं होती। जी हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी और गारंटी भी है। लेकिन अगर आप हर दिन क्लास देखेंगे तब ना बाबू, आज क्लास देख लिए, परसों खेलने चले गए, नरसों नानी के यहाँ चले गए, और उसके अगले दिन कहीं और लापता हो गए, तो फिर लापता हो गए देखते देखते, है ना? तो हर दिन क्लास करिए, आपको पक्का समझ में आएगा, ये पूरी हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन आप क्लास जो है वो कभी भी मिस ना करें तब। क्लियर है ना सब कुछ? तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, pbrstudy.com, इस पर आप विजिट करिए, अपनी पढ़ाई से संबंधित है पीडीएफ फाइल, स्टडी मटेरियल और भी बहुत सी चीजें, कंप्लीट कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल करिए pbrstudy@gmail.com पर अपनी किसी भी समस्या को, आप पढ़ाई से संबंधित जो भी हो, या फिर ऊपर दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करें, जिससे कि आपको और भी क्लासें मिल सके मैथ के अलावा। इसके अलावा pbrstudy के फेसबुक पेज यानी कि ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। pbrstudy के दो और भी यूट्यूब चैनल हैं, जिनका नाम है, एक नाम है pbrstudy ग्रुप। जी हाँ, pbrstudy ग्रुप में आपकी सभी स्पेशल क्लासे होती हैं, आप उसमें बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। और एक चैनल आपका है मैथ आसान है, ये सब मैं आपका जिसपे आप क्लास देख रहे हैं, इसके अलावा ये है मैथ आसान है। अगर आप इन सभी क्लास को देखेंगे, इन सभी चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, जिसपे आप देख रहे हैं ना, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका नाम है pbrstudy, बस इतना ही। तो दोस्तों, आप सभी को बार बार धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम जो आप लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन किया। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार रघुवंशी फिर से आपके आशीर्वाद के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास को दोस्तों में शेयर करके जाइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। एक बटन ऐसे बनी होगी भाई, ऊपर वाला अंगूठा वाला दबाइएगा, उल्टा नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो फिर थैंक यू। इन्हीं क्लास बातों के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत। आपकी फिर से क्लास शुरू होंगी जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए शेड्यूल के अनुसार, अगर अपडेट नहीं हुआ तो जल्दी ही अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।